एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 वेजिटेबल्स के बारे में जो पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर बहुत फास्ट रिकवरी दिखा सकती है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर एनरिच्ड रहती है, विटामिंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो मदद करती है हमारी बॉडी को, हमारे गट को अच्छा रखने में। अब अगर पैरालिसिस की बात करें, पैरालिसिस बेसिकली आपकी 2 कंडीशंस की वजह से होता है, जो ब्रेन स्ट्रोक है, या तो आपके ब्रेन के अंदर हेमरेज आया है या फिर आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, वो कई कारणों की वजह से होता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर बढ़ने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, या फिर कोई हेड इंजरी अगर हो गई है, चोट लग गई है, उस कारण से भी देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में आपका ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड हो जाता है, जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को संभाल रहा होता है, उस हिस्से की फंक्शनिंग में लॉस आना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए आपका राइट साइड की फंक्शनिंग लॉस हो गई, तो हाथ पैर में मूवमेंट कम होती चली जाती है या फिर कंप्लीटली बंद हो जाती है। तो इस कंडीशन में अगर पैरालिसिस के पेशेंट में हम इन वेजिटेबल्स को एड ऑन करते हैं एज इन सूप के फॉर्म में, या फिर डेली रूटीन में सब्जी बनाकर हम दे रहे हैं, तो पेशेंट के अंदर बहुत स्पीडी रिकवरी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले जो वेजिटेबल है वो है पालक। पालक की अगर हम बात करें, पालक के अंदर भी फाइबर एनरिच रहता है, विटामिन के है, बी है, बहुत भरपूर मात्रा में रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर स्पीडी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब जो भी वेजिटेबल्स है उसको अगर पैरालिसिस का पेशेंट बेड रिडन है, तो खाना अगर ठीक से खा नहीं पा रहा है, ट्यूब राइल्स ट्यूब के माध्यम से खाना जा रहा है, ट्यूब डली हुई है और खाना चबा नहीं पाता है, तो उन पेशेंट्स के लिए स्पेशली आप क्या कर सकते हैं, पालक, गाजर, चुकंदर, मशरूम और साथ के साथ बीन्स, इन सारी ही वेजिटेबल्स को एक साथ आप सूप बनाकर इस तरीके से कम्प्लीटली छान कर पेशेंट को राइल्स ट्यूब से भी फीड कर सकते हैं। इन सारी की सारी वेजिटेबल्स के अंदर ही आपके विटामिन एनरिच्ड है, विटामिन बी है, B9 है, B6 है, विटामिन के है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या करता है, आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्विच ऑन करवाता है, पुश देता है, न्यूरो प्रोटेक्शन में मदद करता है, मतलब आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करता है। तो सारे के सारे ये जो विटामिन और मिनरल्स हैं, ये आपकी रिकवरी में बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। तो डेली रूटीन के अंदर जो पेशेंट्स आराम से खाना पीना खा लेते हैं, उनके लिए आप इस वेजिटेबल्स की सब्जी बनाकर भी दे सकते हैं, और अगर हम सूप फॉर्म में दे रहे हैं तो उनके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि सूप को एज पर आयुर्वेद हम थोड़ा सा गर्म मानते हैं तासीर में। उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, आपकी बॉडी में अगर कोई भी स्टिफनेस है, अकड़न है, दर्द है, वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू जूसेस, क्योंकि जूसेस की जो तासीर होती है वो ठंडी मानी जाती है। तो पैरालिसिस पेशेंट की अगर हम बात करें, उनके अंदर हम सूप को प्रेफर करते हैं ओवर जूसेस, जूसेस हम मना करते हैं लेने के लिए। तो आप अगर इन वेजिटेबल्स का सूप ले रहे हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। जो पेशेंट सूप पसंद नहीं करते हैं, वो डेली रूटीन के अंदर किसी भी वेजिटेबल के फॉर्म में इनको आप ले सकते हैं आराम से, और अगर हम इन्हें एड ऑन करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ट्रेमेंडस रिकवरी देखने को मिलती है, क्योंकि आपके मसल्स को, आपके नर्व्स को ये स्ट्रेंथन अप कर रहा है, प्लस आपका गट बहुत हेल्दी रहता है, आपको मोशन अच्छे से आती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं बनती है, क्योंकि इन सारी की सारी वेजिटेबल्स के अंदर ही फाइबर एनरिच रहता है और विटामिंस रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी स्पीडी रिकवरी लाने में। तो आप अपने पेशेंट के लिए ये इस्तेमाल करके देखिए, आपको दिखेगा कि रिजल्ट्स कितने अच्छे हो गए, उनका गट बेटर हो गया, उनकी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज थी वो पूरी होनी स्टार्ट हो गई है और पेशेंट के अंदर रिकवरी स्पीड अप हो गई है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम लेकर आएंगे बहुत सी टिप्स जो हेल्प करेगी आपको जल्दी से जल्दी इस बीमारी से रिकवर होने में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।